दोस्तों जिंदगी में एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं एटीट्यूड है तुझ में, या लोग कहते हैं तेरा एटीट्यूड ही तुझको मरवाएगा, या फिर तेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है। ये सभी कहानियां गलत है। एटीट्यूड का होना एक इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आप उन इंसानों की कैटेगरी में आते हो कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, या फिर उनकी कैटेगरी में अगर आप आते हो कि नहीं हम तो पैसा जोड़ने में बिलीव करते हैं खर्च करने से ज्यादा, तो दोस्तों ये वीडियो शायद आपके लिए ना भी हो। क्योंकि एटीट्यूड में रहने के लिए, या फिर एटीट्यूड को दिखाने के लिए, या फिर एटीट्यूड को सामने वाले को जताने के लिए भी आपके अंदर वो दम, वो जिगरा और वो एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जो इजीली देखने को हर किसी में नहीं मिलता। एटीट्यूड कमाया जाता है, एटीट्यूड बनाया जाता है, एटीट्यूड को आप खरीद नहीं सकते। एटीट्यूड खुद ब खुद आता है, जो आपकी पर्सनैलिटी से झलकता है। आप मूवी देखिए KGF, फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। अगर आप भी एक महत्वाकांक्षी इंसान है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ने की आपने कसम खा ली है, अगर आपने वादा किया है अपने आप से कि आपको अपनी जिंदगी को आप उस तरीके से नहीं काटोगे जो एक नॉर्मल लेमैन की जिंदगी, या फिर किसी एक ऐसे इंसान की जिंदगी हो जिसका जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं, कोई टारगेट ही नहीं, ऐसी जिंदगी अगर आप जीना नहीं चाहते हो, तो आपको एटीट्यूड में आना पड़ेगा। एटीट्यूड में आने के लिए कुछ कर दिखाना पड़ेगा, और साथ में ही जो आपने करके दिखाया, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं, शक्ति प्रदर्शन नाम का एक शब्द है जो अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आप बोलते हैं, शक्ति प्रदर्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास अगर कुछ है, लोग अक्सर बोलते हैं कि लालाओ कितना जिंदगी, अक्सर जो लोग बोलते हैं एग्जाम्पल्स देते हैं कि लालाओ किसी को कितना पैसा कमाना है, पैसा कमा कर कैसे उसको रखना है, कैसे स्टोर करना है। पर मेरा स्लोगन थोड़ा सा अलग है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हमेशा से ही सबसे बड़ा दुनिया में जो दानी होता है, सबसे बड़ा जो दानी है वो एक कंजूस इंसान होता है। और वो क्यों होता है? पूरी जिंदगी वो पैसे को जोड़ता है, अपनी जिंदगी को भी अच्छे से नहीं जीता, और पूरी जिंदगी अपने जितने भी अरमान है उनको मारता है, और जब वो मर जाता है तो उसी का परिवार, उसके बच्चे उसी पैसे को बर्बाद करने में लग जाते हैं, या फिर वो उससे अपनी जिंदगी जीते हैं। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी सिर्फ कोल्लू के बैल की तरह कमाता रहा और कुछ मिला नहीं। एटीट्यूड बहुत जरूरी है। KGF मूवी में आप देखोगे एक डायलॉग में बोलता है वो कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी। ये एटीट्यूड, या फिर जब किसी के सामने आप प्रेजेंट होते हो, खड़े होते हो। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। एक मेरा ही जानकार है जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम करता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाता है, कॉन्टेक्ट करता है, एडमिशन्स करवाता है। एक वक्त जब उसका बुरा आया तो उसकी पूरी जिंदगी की जोड़ी हुई जो कमाई थी वो यूनिवर्सिटीज में फंस गई, और वो लगातार फोन करता कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, अभी मेरा वक्त सही नहीं, पर उन्होंने दिया नहीं। दोस्तों हमेशा से आप एक बात समझिए, शेर बनिए। शेर किसी को कभी फॉलो नहीं करता, वो अपनी जिंदगी के रास्ते, सभी रास्ते खुद बनाता है। और सीखिए आप बाज से। बाज क्या करता है कि जब भी कभी बारिश आती है तो सभी परिंदे तो नीचे उड़ रहे होते हैं, वो उन बादलों के ऊपर चला जाता है उड़ने के लिए, और वहां जाकर उड़ता है जब तक वो बारिश हो रही होती है। अपने रास्ते जब तक आप खुद नहीं बनाओगे, जब तक आप अपनी एक पोजीशन अलग से नहीं बनाओगे, जब तक आप अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करोगे, आपको हमेशा सामने वाला इंसान दबाएगा दबाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि हमेशा एक कमजोर इंसान, एक जो पावरफुल इंसान है उसके द्वारा दबाया जाता है, दबाया जाता था और दबाया जाता रहेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अमेरिका किसी को आगे आने देना चाहता नहीं। जब भी कोई किसी चीज का प्रदर्शन करता है, जब भी कोई किसी चीज का नया आविष्कार करने की सोचता है, वो वहां जाके उसको रोक देता है। दोस्तों अपने आप को पावरफुल बनाएं, जितना ज्यादा हो सके एटीट्यूड में रहें, अपने आप को एक ब्रांड बनाएं, अपने आप को एक ब्रांड बना के उन लोगों के सामने लेकर आए। आप कभी भी जीवन में, जो स्टोरी जो मैं अभी बता रहा था आपको एक एजुकेशनिस्ट की, जब पैसा सारा फंस गया तो वो मेरा ही एक जानकार था, मैंने उसको बोला कि तू लड़ेगा नहीं जब तक तेरा पैसा मिलेगा नहीं। वो सोचता था कि मैं आगे बिजनेस कैसे करूंगा, आगे की छोड़ो, जितना पैसा आपने अपना बर्बाद कर दिया उतना पैसा कमाने में आपको कई साल लगेंगे। अपनी चीज जीवन में मत छोड़ो, जहां सच ना चले वहां झूठ सही, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही। दोस्तों लूट करना, सो खुद श्री कृष्ण जी ने कहा है भगवद गीता में, वो बोलते हैं कि कभी भी अपने हक के लिए, और अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, ऐसे इंसान को अगर आप मार भी देते हो तो कभी भी वो गलत नहीं हो सकता। मतलब जो एक अधर्मी है, या फिर जिसने जो गलत किया,
या फिर आप देखते भी हो खुद जो हमारा आईपीसी के सेक्शंस बोलते हैं, हमारे देश का कानून बोलता है सेल्फ डिफेंस में कभी भी लिया गया कोई एक्शन आपके अगेंस्ट लीगली कार्रवाई नहीं हो सकती। दोस्तों हमारे देश का चाहे कानून हो चाहे हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें कुछ सिखाया हो, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हमारे इस भारतवर्ष में, और अगर उनसे भी आप कुछ नहीं सीख पाए तो आगे भी आप कुछ सीख नहीं पाओगे। मैं आपको बता दूं, अपने आप को एटीट्यूड में आप रखिए, एटीट्यूड का होना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों आप जितने भी साउथ इंडियन मूवीज देखते हो उनके जो एक्टर हैं जो उसमें मेन किरदार निभा रहा है, आप उसका कभी एटीट्यूड देखिए। बहुत सारी चीजें आपको हजम नहीं होंगी पर हाँ देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये दुनिया जो देखना चाहती है उसको वही चीजें आप दिखाओ। आप नहीं दिखाओगे तो आपकी कहीं भी एक रेपुटेशन रहेगी नहीं, कहीं भी इस दुनिया की भीड़ में आप अलग से आओगे नहीं। आपको अपनी जगह खुद बनानी होगी, और अगर नहीं बना पाते हो तो आप समझ जाइए कि आप एक उन्हीं तरह के एक लूजर लोगों में से एक हो जिसने शुरू तो बहुत अच्छे से किया था पर वो उसका अंत अच्छा नहीं कर पाया। आप लड़ते रहिए लगातार जब तक आपको वो चीज ना मिल जाए। वो एक स्लोगन बड़ा प्यारा सा है, बोलता है कि जीत से कम मंजूर कुछ भी नहीं। मतलब जीत चाहिए, हम कोई भी चीज काम करें उससे पहले उससे कम या कॉम्प्रोमाइज कर भी कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। जिसके लिए आपने लड़ाई शुरू की जब तक वो चीज ना मिल जाए तब तक उसके लिए लड़ते रहो, और जब आपको वो चीजें मिल जाएंगी तो आपके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड होगा। बिना बात का एटीट्यूड अगर आपके अंदर है और आप शोबाजी बिना बात की करते हो तो लोग आपको देखकर वैसे भी समझ जाएंगे। लोग दुनिया की स्टाइल पर मरते हैं, लोगों के स्टाइल पर कब मरते हैं, जब वो जानते हैं कि हाँ वो वैसा कर सकता है। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ऐसे वर्ड बोल देते हैं, ऐसी ऐसी लाइनें बोल देती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। जैसे कि एक बकरी का बच्चा बोल दे कि शेर को मैं मार दूंगा तो कैसे मार देगा, वो पॉसिबल नहीं। आपने अगर देखा हो महाभारत में भी, कृष्ण लीला में अगर आपने देखा हो शिशुपाल जो किशन जी की बुआ का लड़का होता है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है पर क्योंकि 100 गलतियां माफ करने का वादा किया था श्री कृष्ण ने तो 100 गलतियां तक उसको माफ करते हैं और बाद में उसको मार भी देते हैं। दोस्तों एक लाइन बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। दोस्तों कर्म से फल नहीं मिलेगा, कर्म से आपको बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। किस नॉलेज के साथ उस काम को किया गया उसका फल मिलता है रियल जिंदगी में। कर्म आपसे और हमसे बहुत ज्यादा मेहनत एक लेबर करता है, पूरे दिन भर मेहनत करता है पर उसको फल कितना मिलता है, सिर्फ रात को वो दिहाड़ी, उससे ही वो अपने घर परिवार को चलाता भी है। और किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज के साथ अगर आप कोई मेहनत करते हो तो वो बिल्कुल सटीक जगह पर जाकर लगता है वो तीर आपका। और जीवन में एटीट्यूड आपकी जिंदगी में तभी आएगा जब आपने जिंदगी में कुछ अचीव किया होगा, कुछ करके दिखाया होगा, लोगों से हटकर, लोगों की भीड़ से हटकर जब आपने कुछ किया है तो ही वो एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, वरना वो एटीट्यूड आपके अंदर आ ही नहीं सकता। एटीट्यूड में रहिए, अपने आप को एक ब्रांड बनाइए, और साथ ही अपने जो अच्छे थॉट्स हैं आपके, अच्छी नॉलेज है, कोई भी अच्छे जो सोच आप सोच सकते हो उसको लोगों से साझा कीजिए, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे की मदद कर जरूर सकता है पर हर इंसान एक दूसरे के जैसा बन नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान अलग है। इस दुनिया में हर इंसान अलग है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों आपको अगर अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को मोटिवेटेड रख सके, और साथ ही हमारी वीडियोस के माध्यम से हो सकता है कि कभी उनकी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।